अगर हम लैपटॉप को देखें तो ये लड़कियों की मेकअप किट की तरह खुलने वाली एक डिवाइस है, लेकिन इसमें कौन सी बड़ी बात है, आप तो यही बोलोगे, लेकिन इसके अंदर बड़ी बात है। आज हम लैपटॉप की बात नहीं करेंगे बल्कि किसी और चीज़ की बात करेंगे। आज हम लैपटॉप के अंदर जाएंगे, थोड़ा सा और अंदर जाएंगे और फिर थोड़ी देर बाद और अंदर जाएंगे। तो लैपटॉप का एक्चुअली में काम क्या है? एक ऐसी चीज़ को ट्रांसफ़र करना जो हमें दिखती नहीं है लेकिन वो सही जगह पर पहुंच जाती है, जिसे हम प्यार से डेटा बुलाते हैं। तो मैं अगर आपसे कहूं कि डेटा हम देख ही नहीं सकते, डेटा हमें दिखता नहीं है, तो आपका क्या कहना होगा? तो अब कई महापुरुष ये कहेंगे कि डेटा तो हमें दिखता है, हम तो रोज़ डेटा एंट्री करते हैं, हमारा तो काम ही डेटा एंट्री का है, तो हम तो जो स्क्रीन पे देख रहे हैं, फ़ोटो है, जो टेक्स्ट है, वो सब डेटा ही है। लेकिन ऐसा नहीं है, जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो अपने मॉनिटर पे, LED पे, वो सिर्फ LED लाइट्स की रंग प्रदर्शनी है, यानी कि हज़ारों लाखों LED लाइट्स आपकी मॉनिटर के अंदर लगी हुई हैं और वो अलग अलग कलर्स प्रोड्यूस कर रही हैं और वो आपको पिक्चर्स डिस्प्ले कर रही हैं, लेकिन आप एक्चुअली में डेटा को नहीं देख रहे बल्कि उस लाइट्स को देख रहे हो। तो आप ये तो अभी तक मान चुके होंगे कि जो चीज़ होती है वो दिखती नहीं और जो दिखती है वो होती नहीं, लेकिन ये बात भी अभी अधूरी है और अधूरी जानकारी सेहत के लिए हानिकारक होती है, और मैं नहीं चाहता कि आपकी सेहत को हानि पहुंचे। तो वीडियो के अंत तक देखते रहना ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। तो अब अगर मैं आपको ये बोलूं कि डाटा नाम की कोई चीज़ दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती, डाटा का कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस है ही नहीं, यानी कि हम डाटा को देख भी नहीं सकते और डाटा नाम की चीज़ एक्चुअली में दुनिया में है ही नहीं, तो आपका क्या कहना होगा? अब देखिए दोस्तों, डेटा के यूनिट क्या होते हैं, गीगाबिट्स, मेगाबिट्स और काफ़ी सारे होते हैं, ये तो हमें समझ आ जाते हैं, लेकिन जो सबसे छोटा यूनिट होता है बिट, उसे समझना थोड़ा मुश्किल है। अब बिट या तो 0 होगा या तो 1 होगा। आप शुरू से ये पढ़ते आ रहे हैं कि कंप्यूटर बाइनरी लैंग्वेज में रीड और राइट करता है, यानी कि कंप्यूटर को सिर्फ 0 और 1 ही समझ आता है। तो सबसे छोटा यूनिट जो बिट होता है वो 0 होगा या 1 होगा। तो अब 0 और 1 का क्या मतलब है? अब ऐसा तो है नहीं कि जो हमारा कंप्यूटर है वो कहीं पर 0 और 1 टाइप कर रहा है या लिख रहा है या स्टोर कर रहा है, ऐसा नहीं है। वो एक्चुअली में 0 का मतलब होता है ऑफ और 1 का मतलब होता है ऑन। तो अब ऑफ और ऑन हम किसे करेंगे? तो अब हम दोबारा आ जाते हैं लैपटॉप वाली बात में, कि लैपटॉप के अंदर आज हम काफ़ी अंदर तक जाएंगे। तो लैपटॉप के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है CPU। तो अब CPU के अंदर काफ़ी सारे ट्रांजिस्टर्स लगे होते हैं, तो ट्रांजिस्टर का काम होता है करंट को ऑन करना या ऑफ करना। तो अब जब कंप्यूटर के अंदर CPU लगा है और CPU के अंदर जो ट्रांजिस्टर लगा है और ट्रांजिस्टर जब करंट को ऑफ कर देगा, तो यानी कि 0 हम मान लेंगे, अगर वो करंट को पास कर देगा यानी कि उसे जाने देगा यानी कि ऑन हो गया, तो हम उसे 1 मान लेंगे। अब मान लीजिए आपने कंप्यूटर स्क्रीन पर 1 यानी कि 1 जो डिजिट है उसे डिस्प्ले करवाना है, तो 1 डिजिट का अगर हम बाइनरी में कन्वर्जन करते हैं तो 7 बारी 0 और 1 बारी 1 आता है। तो एक ट्रांजिस्टर को क्या करना पड़ेगा कि 7 बारी करंट को रोकना पड़ेगा और लास्ट 8वीं बार करंट को पास करना पड़ेगा। जब ये प्रोसेस पूरा हो जाएगा तो आपकी स्क्रीन पर 1 डिस्प्ले होगा। लेकिन ये तो काफ़ी बेसिक सी चीज़ थी, हमारी स्क्रीन पर तो बहुत सारा कुछ होता है और काफ़ी सारी प्रोसेसिंग कंप्यूटर को करनी पड़ती है। ये तो एक बेसिक आइडिया था कि 1 और 0 क्या होता है, ऑन और ऑफ क्या होता है और ट्रांजिस्टर क्या काम करता है। तो अब मैं अगर आपसे कहूँ कि अब 0 और 1 की भी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, यानी कि हम सिर्फ ऑन और ऑफ से ही खेल रहे हैं। तो अब अगर मैं आपको ये कहूँ कि कंप्यूटर के अंदर जब करंट जाता है, करंट ऑफ होता है या ऑन होता है, अब इसी ऑन और ऑफ की जंग में ये सारा कंप्यूटर चल रहा है। तो अब शायद आपको अच्छी तरह फील आ चुकी होगी डाटा की, कि मतलब सिर्फ करंट का ही खेल है, करंट जब ऑफ होगा या फिर ऑन होगा, तो बस यही डाटा है। तो हार्ड ड्राइव के अंदर हम मैथ के नंबर्स या फिर इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स सेव नहीं करते, और ना ही उसके अंदर हम 0 और 1 सेव करते हैं, बल्कि हार्ड ड्राइव के अंदर अगर मैं कहूँ आपसे कि उसके अंदर हम करंट का जो ऑन और ऑफ का पैटर्न है हम उसे सेव करते हैं, तो आपका क्या कहना होगा? मतलब आज आपको डाटा की पूरी फील आ चुकी है। तो अगर मैं आपको ऐसा कहूं कि आप जो लैपटॉप चला रहे हो उसके अंदर एक ऐसी चीज़ लगी है और जिसके अंदर एक और ऐसी चीज़ लगी है जो कि जिसका काम है करंट को ऑन और ऑफ करना, और इसी ऑन और ऑफ के काम में सारा कंप्यूटर चलता है और कंप्यूटर पे पूरी दुनिया चलती है, तो यानी कि करंट ऑन और ऑफ से सारी दुनिया मैनेज हो रही है और सारी दुनिया इस करंट के ऑन और ऑफ के पैटर्न पर डिपेंडेंट है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? मुझे पता है आपको ये टॉपिक काफ़ी यूनिक और अच्छा लगा होगा और आपको काफ़ी कुछ सीखने में मिला होगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबा देना। हम आपके लिए वीडियोस लाते रहेंगे और आपका नेट पैक खर्चवाते रहेंगे। धन्यवाद।